हेलो एवरीबॉडी न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है तो चलिए आज रिवाइज करते हैं हम द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिविंग सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स होते हैं ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और उसके अकॉर्डिंग एक सुटेबल रिस्पॉन्स का क्रिएट करना इसके अलावा मेटाबॉलिज्म एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटरैक्ट, आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करना एंड इमर्जेंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक फीचर्स हो सकते हैं ऑल लिविंग ग्रो, तो ग्रोथ के भी दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ये दोनों ग्रोथ के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्रोथ अनलिमिटेड प्लांट्स में होता है लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एज एनिमल्स में होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस में एक चीज और ध्यान रखनी है कि कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग फीचर जो नहीं होते हैं वो है ग्रोथ क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी पाया जाता है नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ पाया जाता है जैसे अक्यूमलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस जिसके एग्जांपल्स हो गए माउंटेन्स सैंड मोन्स बर्डर्स एटसेट्रा रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो लिविंग होने के बावजूद रिप्रोड्यूस नहीं करते जैसे म्यूल्स स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स इसके अलावा और भी होंगे टिश्यूज की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल सेल्स में नहीं पाई जाती बट इंडिविजुअल सेल्स के इंटरएक्शन से प्रोड्यूस होती है ठीक उसी तरह सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ऑर्गेनल्स बनाते हैं उनके इंटरएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो रिप्रोडक्शन के हैं वो हैं बर्डिंग इन ईस्टर्न हाइड्रा फ्रैगमेंटेशन प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस एंड फिल्मेंटसल और फंजाइरिया में ट्रू रिजेनरेशन पाया जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड द नंबर ऑफ स्पीशीज सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन इसी को बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं साइंटिफिक नेम्स देने के अग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया डिफाइन करे गए हैं प्लांट्स के लिए आई सी बी एन इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बोटनिकल एनिमल के लिए आई सी दो कॉम्पोन होते हैं सबसे पहला होता है जेनेरिक नेम दूसरा स्पेसिफिक एफिथेट इसी को बायोनॉमल नॉमन क्लेचर भी कहते हैं जो कैरोस लीनिय ने दिया था फादर ऑफ नॉमनचर कुछ यूनिवर्सल रूल्स है नॉमन के सबसे पहला बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में दिया जाता है और लिखा जाता है इटालिक्स में पहला वर्ड जीनस होता है और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है अगर हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइंड होता है फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और दूसरा यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और अगर एंड में किसने वो बायोलॉजिकल नेम दिया है और साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो वो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं एंड द प्रोसेसस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी आर कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड एककोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम टैक्सोनिक कैटेगरीज हैं स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम और किंगडम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाने में जनरलनेस और डाइवर्सिटी बढ़ती है जबकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होती हैं सबसे पहला स्पीशीज स्पीशीज़ में आपस में फंडामेंटल सिमिलारिटीज़ होती हैं इसके एग्जाम्पल्स लियो और टिग्रिस ये दोनों जीनस पैंथरा में पाए जाते हैं इसके अलावा ट्यूबरोसम नीगरम मेलनजेना ये जीनस सोलेनम में पाए जाते हैं दूसरा जीनस जीनस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज एग्जाम्पल सोलेनम जो इंक्लूड करते हैं पटेटो ब्रंजल एट्सट्रा सेकेंड एग्जाम्पल पैंथरा इंक्लूड्स लेपर्ड लायन टाइगर एट्सेट्रा थर्ड एग्जाम्पल फेलिस जो कैच इंक्लूड करते हैं और फोर्थ एग्जाम्पल कैनिस जो डॉग्स इंक्लूड करते हैं उसके बाद फैमिली फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस एग्जाम्पल्स सोलेनेसी जो जीनस सोलेनम पेटूनियम दतूरा इंक्लूड करते हैं दूसरा एग्जाम्पल फेलेडे जो जीनस फेलिस पैंथेरा इंक्लूड करते हैं इसके बाद कैनिडे जो डॉग फैमिली होती है फिर आता है ऑर्डर ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज एग्जाम्पल पॉलीमोनिया जो कॉन्वेलवेसी और सोलनेसी इंक्लूड करते हैं इसके अलावा एग्जाम्पल कार्निवोरा जो फेलिडे और कैनेडे इंक्लूड करते हैं देन नेक्स्ट इज क्लास

पांच किंगडम्स डिफाइंड है विटेकर के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रोटेस्टा मोनेरा थर्ड फंजाई देन प्लांटे एंड देन एनिमेलिया प्रोटेस्टा इज यूनिसेल्यूलर यू मोनेरा इज यूनिसेल्यूलर प्रो कैरियोज देन फनजाई एनिमल और प्लांट्स इसी तरह न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए और रिविजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यू लाइट टेस्ट सीरीज के थ्रू मिल जाएगा सो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल एड्स सो द फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज हर्बेरियम

हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम भी होता है सेकेंड इज बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन इज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स लेबल्ड कंटेनिंग बॉटनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं क्यू इंग्लैंड में इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावरा इंडिया में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में थर्ड इज म्यूजियम जहां पर प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं यूजली स्कूल कॉलेज में मिल जाता है यहाँ पर जार्स में कंटेनर्स में प्रिजर्व प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस के साथ स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में आफ्टर किलिंग कलेक्टिंग एंड पिनिंग लार्ज एनिमल्स को स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है और म्यूजियम्स ऑफन कलेक्शन ऑफ स्कैलेट भी रखते हैं फोर्थ इज जूलॉजिकल पार्क वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं अंडर प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट ह्यूमन केयर होती है उनकी और यहाँ पर उनकी स्टडी करी जा सकती है फूड हैबिट्स और बिहेवियर की फिफ्थ इज की जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर जनरली इन पेयर्स इन पेयर्स को कपलेट बोलते हैं यहाँ पर चॉइस होती है दो ऑपोजिट ऑप्शन में हर एक स्टेटमेंट जो की में प्रेजेंट होता है उसको लीड बोलते हैं कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर अदर एग्जांपल्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एज आर फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स कैटलॉग सो आज का ये चैप्टर खत्म इसी तरह न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के साथ आप लोग बने रहें और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें